मॉर्निंग एवरीवन, आज सेकेंड सैटरडे है और हमारे स्कूल में छुट्टी है। यूजुअली मैं मॉर्निंग में वॉक करती हूँ, लेकिन आज मैं साइकिलिंग करने वाली हूँ और मैं साइकिलिंग करके जाऊँगी हार्टफुलनेस मेडिटेशन सेंटर, जहाँ मैं जाकर मेडिटेशन करूँगी। वहाँ वीकडेज में मेडिटेशन टाइमिंग 6:30 AM का है, तो अभी 5:30 हुए हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ नहा धोकर, तो अब मैं निकलती हूँ, आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। फ्रेंड्स, काफ़ी अंधेरा है और ठंड भी है, क्योंकि साइकिलिंग करना है। मैंने अपने बैग में जैकेट रख ली है और गले में मैंने बंदाना लगाया है ताकि ठंडी हवा से कानों को और मुंह को कुछ समय तक बचाया जा सके। 5:43 आई स्टार्टेड एंड रीच्ड द मेडिटेशन सेंटर अराउंड 6:25 AM, जस्ट 5 मिनट्स बिफोर द मेडिटेशन स्टार्ट्स। जब ग्रुप कम होते हैं, मेंबर्स कम होते हैं, तो इस कॉटेज में मेडिटेशन किया जाता है। वी स्टार्टेड मेडिटेटिंग एट 6:30 और हमारा मेडिटेशन 7:05 को कंप्लीट हो गया। एवरीडे मेडिटेशन के बाद यहाँ ब्रेकफास्ट होता है, जिसके लिए टोकन लेना पड़ता है, और आज ब्रेकफास्ट में था उपमा और चाय। ब्रेकफास्ट के बाद मैं बाहर आकर इनके कंपाउंड में कुछ देर बैठ गई और यहाँ की हरियाली और सुनहरी धूप का आनंद लिया। इसके बाद मैं अपने साथ एक किताब लाई थी, जिसे मैंने कुछ देर तक पढ़ा और उसके बाद मैं घर के लिए निकल गई। मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर तक यहाँ पर बुक रीडिंग की, थोड़ी देर सनलाइट में बैठकर, और अब मैं घर के लिए वापस निकल रही हूँ 12 AM। और ये रास्ता बिल्कुल ट्रैफिक से अलग है, पीसफुल है। अब हम कैनाल से होते हुए बाहर निकलेंगे मेन रोड। मेरा कैनाल, ये रास्ता